वक्त और जगह ये सही मुअय्यन हो तो इंकलाब खड़ा हो सकता है। चीज गलत टाइमिंग और गलत वक्त और गलत वजह गलत कता गलत जमान गलत मकान पर रखने की वजह से अक्सर लोग आते हैं। इसलिए किसी ने हमसे पूछा कि शेख साहब इल्म की क्या डेफिनेशन है आपके, तो मैंने कहा वज व शय अला मौदे ही अरबी के अंदर, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड इवन द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस, सही चीज को उसके महल पर रखना, यह है इल्म। इसमें जमाना भी आता है और मकान भी आता है। वक्त और जगह ये सही मुअय्यन हो तो इंकलाब खड़ा हो सकता है। उसके बाद भी इफरात है और उससे पहले भी तफरीत है, तो क्या फायदा उस हुसन का जो अपने महल पे नहीं जमाल तक पहुंचा, क्या फायदा उस इल्म का जो अपने महल पे दलील ना बन सका, क्या फायदा उस इदराक का जो अपने महल पे अपने आप को पेश ना कर सका। जिंदगी तुम्हें एक वक्त पे सिखा देगी, व्हाट मैटर्स इज कि तुम कब समझोगे उन बातों। फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा मुनकर था हक का, उसने भी इकरार किया एक दिन। तो अल्लाह ने अल्लाह के कुरान के अंदर, मैंने अपनी जो कम इल्मी से समझा अपने असातिज़ा से जो पढ़ा, अल्लाह बहुत रेलिवेंट बातें लेके आता है कुरान के अंदर और बड़ी सब्जेक्टिवली हिट कर रही होती हैं वो किसी महल के ऊपर। फिरौन की जिंदगी के सारे फलसफे में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई अमंग्स ऑल ऑफ हिज थिंग्स, उसने आखिरी वक्त पे कई बैठा वो आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी अमरत बिही बनू इसराइल, मुंह से ये जीभ में से वो अल्फाज निकले, उसके इकरार करना पड़ा उसको। तो मुझे और आपको मसाइल और उनकी दकीक रकीक अमीक फहीम फकी फहीम डेप्थ को और प्रोफंडिटी को एक दिन मानना ही पड़ेगा। इस उम्र में आपकी उम्र में ख्वाह जितना इंकार हो, ख्वाह जितना उसके अंदर वो मुजब्जब हो, ख्वाह उसके अंदर कितनी कंफ्यूजन डाउट डिनाइल एरोगेंस तकब्बुर उजब फखर कुछ हो, कितना तसाहुल हो, जितनी तशद्दुद हो, कितना तवस्सुत हो, कितना तनब्बो हो, जिंदगी एक दिन मेरे भाई आपको आपके घुटनों के बल पे लाके अपना सबक जरूर समझाएगी। व्हाट मैटर्स इज के कायनात के समझाने से पहले अगर तू समझ गया तो वहां चैप्टर खुलता है इंकलाब का, वहां चैप्टर खुलता है सक्सेस का और कामयाबी का, कि तू कायनात के सिखाने से पहले सीख जवाब दे।